मायने माए मुंडरत तेरे बोल रहा हूँ कागा जो बन हो गई तेरी सब मन दी लंग लग गया। स्वागत है आपका मैं नमस्ते सभी को। सो आज मैं बात करूंगा किसके रिगार्डिंग में कि अगर आपने कभी सोचा है कि जैट का एग्जाम भरे तो पहली बात तो ये उन लोगों के लिए है मेनली वीडियो जो जैट का एग्जाम देने वाले हैं। जैट यानी कि एक्स ए एंड टी, तो ये जैट एग्जाम वालों के लिए जिन्होंने जो एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इस साल अगर कैट देना सोचा और उनके मन में है कि जैट जैसा एग्जाम दिया जाए जिससे आपको जीवर जैसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, तो उसके लिए कुछ उसके फॉर्म्स में ना कुछ डाउट्स थे मुझे। तो मैंने कहा कि अगर ये मेरे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो आप सबके भी ये डाउट्स क्लियर होने चाहिए। ऑब्वियसली हर बार थोड़ा ना जैट वालों को मेल भेजेगा, तो बैठा आकर भाई बैठा आपके डाउट क्लियर करने के लिए। देखिए तो मेनली मुझे दो तीन मेन डाउट्स थे एंड मेरी एक आधे दोस्त को भी डाउट थे, तो मैं वो सारे दो तीन डाउट्स क्लियर करता था। ज़्यादा लंबी वीडियो पता नहीं हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो नहीं हुई। सो सवाल था ये, पहला सवाल था कि वहाँ पे ना जब आप लिखते हो कि आपकी ग्रेजुएशन कहीं पे आप लिखते हो कि आपकी ग्रेजुएशन कम्प्लीटेड है या नहीं, तो ऑब्वियसली मेरी ग्रेजुएशन कम्प्लीटेड है, कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन 2018। सो वहाँ पे ना दो तरह की डेट्स आ रही थी, आपकी करंट ईयर पूछ रहे थे और करंट ईयर लिख रहे थे एंड और करंट ईयर में कुछ लिखा होता ऑप्शन एंड ऑल दैट, और उसमें लिखा होता कि कब ख़त्म होगी, तो वो जब कब ख़त्म होगी तो पता है हर बच्चे को, पर अब करंट ईयर कैसे लिख दूँ मैं, तो ना मैं फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में जो लिख दूंगा, तो जिन इनके लोगों की ख़त्म हो चुकी है वो लिख सकते हैं वहाँ पर कम्प्लीटेड या फिर ऐसे कुछ कम्प्लीटेड का ही उनका जो एग्जैक्ट रिस्पॉन्स है मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ। तो उनका एग्जैक्ट रिस्पॉन्स था ये, फॉर अ ग्रेजुएशन कम्प्लीट स्टूडेंट दे नीड टू मैंशन ओनली द चीज वे परसेंटेज, मतलब वो कॉलम को शायद खाली छोड़ सकते हैं, नहीं तो उसमें साल की स्टार्टिंग डाल दीजिए, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन ये था कि आप वर्क एक्सपीरियंस किस हिसाब से डालें। तो देखिए अगर आप करंटली जॉब कर रहे हैं, ये उनका रिप्लाई है कि अगर आप करंटली जॉब कर रहे हैं तो, क्योंकि उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप 31 मार्च 2021 यानी कि अगले साल तक का एक्सपीरियंस डाल सकते हो, वो कैसे डालेंगे, तो क्योंकि अब किसी को नहीं पता कि वो आगे जाकर क्या जनवरी में छोड़ दें, फरवरी में छोड़ दें, मार्च में छोड़ दें या छोड़ ही ना, तो उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर उसकी जुलाई में अगले साल होनी भी है तो वो जून तक भी जॉब कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो कैलकुलेट कर रहे हैं लास्ट 31 मार्च 2020 तक। तो कह रहे हो कि अगर आप अभी आपका कोई प्लान नहीं है अगर जॉब छोड़ने का, तो आप बाई डिफॉल्ट लिख दीजिए कि आपकी जो जॉब है वो एक्सपीरियंस जाएगा आपका 31 मार्च 2020 तक। आप वहाँ पर एक्सपीरियंस में आ जाओगे, डेट्स कैलेंडर आ रहा होगा, तो आप 31 मार्च 2020 सेलेक्ट कर दीजिए एंड आपकी बात खत्म। तो आप जो जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं और अगले साल सोच रहे हैं कि जैट का फॉर्म भर रहे हैं एंड कि सोच रहे हैं कि यार मैं अगर जुलाई में छोड़ दूंगा या मैं या फिर मैं फरवरी में छोड़ दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप अभी जॉब छोड़ रहे हो, अगर आप अभी जॉब कर रहे हो और आपके मन में अभी कोई प्लान नहीं है तो आप भर सकते हो 31 मार्च 2020 और वहाँ तक जितने भी आपके मंथ ऑफ एक्सपीरियंस बनेंगे वो लिख दीजिए या फिर वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। एम लास्ट एंड फाइनल चीज़ वो क्या है कि जो जो लोग अभी जॉब कर रहे हैं उनको नहीं पता कि वो जॉब कब छोड़ेंगे, और आपको पता होगा कि वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट तभी ही मिलता है जब आप जॉब छोड़ोगे, चलते में तो नहीं मांगोगे ना चलो कि थोड़ा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए था, तो कहेगा किस लिए चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अपने तो छोड़ा नहीं है सर जॉब, तो अभी पुराने महीने का तो ऐसे नहीं होता है। तो हमने उनको ये भी मेल डाली कि इसके रिगार्डिंग सर क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला आप दो चीज़ें दो डॉक्यूमेंट्स को अटैच कीजिए और हमें भेज दीजिए उस जहाँ पे आपको लिखा ना वर्क एक्सपीरियंस का आप का अटैच कीजिए, ये उनके लिए जिनका वर्क एक्सपीरियंस है 6 महीने 8 महीने कुछ भी है एंड तो उनको अटैच कैसे करना है, आपको अपना ऑफर लेटर यानी कि जब आपको जॉइनिंग लेटर आया होगा, जैसे कि मेरे पास जॉइनिंग लेटर आया था कि 19 सितंबर 2018 को आप कैपजेम ने ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो आप सर्टिफिकेट एक लीजिए और एक पिछले महीने की पे स्लिप लीजिए अटैच कर दीजिए, तो अभी सी बात है कि बंदा ऐसा तो करेगा नहीं ना कि कंपनी में ज्वाइन करके छोड़ कर फिर ज्वाइन करके, ऐसा तो नहीं होगा। तो जिस कंपनी में ज्वाइन किया है तुमने 1 साल 1.5 साल या 2 साल जितने देर पहले, वो उसका आपको पास लेटर होना चाहिए और आपके पास लास्ट महीने की पे स्लिप होनी चाहिए, उन दोनों को जोड़ दीजिए और वर्क एक्सपीरियंस में डाल दीजिए, दैट्स इट। तो अच्छा सोल्यूशन मिला मुझे उनकी तरफ से एंड यही 3 मेन क्वेश्चन थे। फिर भी आपको जैट फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन खुला भर दो, मैं ट्राई करूँगा कि मैं हर लॉजिकल क्वेश्चन को आंसर दूँ
एंड वीडियो और सोल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।